नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, आप हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप हमें लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और सुझाव भी दे रहे हैं। आज मैं बात शुरू करूंगा अपने एक सम्मानित दर्शक भोला पंडित जी के नाम से। मित्रों, एक एक दर्शक हमारे लिए हमारे चैनल की माला में मोती के समान है। हर मोती की अपनी कीमत होती है। आप हमसे कुछ पूछते हैं तो ये हमें और अच्छा लगता है, क्योंकि इसका मतलब आपने हमें योग्य समझा और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सारी चीजें बताता है भोला पंडित जी। आगे आप लोगों से, मित्रों मैं कह रहा हूं, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, हम आपकी फोटो के साथ अपने चैनल पे आपको दिखाएंगे। आप हमारे ईमेल पे, ईमेल है मित्रों johnalok@yahoo.com, इस ईमेल पे आप अपनी फोटो भेज दें, अपना प्रश्न भेज दें। अपना नाम तो आप भेजेंगे johnalok@yahoo.com पे आप भेज दें, हम आपकी फोटो, उस प्रश्न का उत्तर भी देंगे और आपकी फोटो के साथ आपको अपने चैनल पे दिखाएंगे भी। ये हम आपको बता रहे हैं। भोला पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा और हमें उनके साथ जुड़े हुए, आप सभी के साथ जुड़े महसूस हो रहा है। आप हमें काफी प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उनका प्रश्न है मित्रों कि हमें हिचकी क्यों आती, हमें हिचकी क्यों आती है। आज हम इस विषय पे आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, हमारी जो सांस चलती है ना, दिल धड़कता रहता है, हमें लगता है उसी से सांस चलती है। आपको मैं बताऊं, एक चीज हमारे शरीर में होती है मित्रों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें उसका दायित्व होता है, रोल होता है, वो चीज होती है मित्रों। देखिए, आपको इतना तो पता ही होगा, ये हवा भाई फेफड़ों में जाती है हमारे, ये फेफड़े होते हैं हमारे और ये हमारा पेट होता है। पेट के ऊपर एक मांसपेशी मसल, पूरी तरह मसल ही होती है ये, आपको बता दूं, ये होती है जो सही मायने में आपको सांस लेने में बहुत बड़ा इसका हिस्सा है, बहुत बड़ा रोल इसका है, बहुत बड़ा भाग है इसका। कैसे? ये मसल जब फैलती है यूं, फेफड़ों में हवा भरती है, ये हल्के से फैलती है, यूं सीधी होती है, अंदर ले गई, जब ये सीधी होगी तो फेफड़ों में हवा, फेफड़े यूं करके फैलेंगे और फिर फेफड़ों में अंदर हवा जाएगी, और जब ये सिकुड़ती है यूं तो ये फेफड़ों को यहां से दबाती है, फिर इस जगह से अंदर को, और तब फेफड़े हवा बाहर निकालते हैं। मतलब ये हमारी इच्छा पे नहीं चलती, ये ब्रेन से, दिमाग से, मस्तिष्क से संदेश जाता है सीधे इसके पास और ये काम लगातार करती रहती है। हमारे सांस लेने में इसका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ ये मांसपेशी, जो हमारे पेट और हमारे सीने को अलग करती है, आप ये समझिए। अच्छा, यहां पे आपको एक चीज और पता है आपको, यहां पे मित्रों हमारे स्वर तंतु भी होते हैं। स्वर तंतु को अगर हम ऊपर से देखें तो ऐसे दिखेंगे, ऐसी अवस्था में होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, इस मसल का नाम तो आप कह रहे होंगे बताया ही नहीं, इतनी सारी बातें बता दी। इस मांसपेशी का नाम होता है डायाफ्राम। अगर आपको इधर लिखा हुआ ना दिख रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं मित्रों, डायाफ्राम। डायाफ्राम ये हमारे जीने के बहुत बड़े संकेतों में से एक है, बहुत बड़े हमारे सहयोगियों में से एक है। सांस लिए बिना कैसे जी लेंगे? खैर, स्वर तंत्रु
पे आ जाते हैं दोबारा। स्वर तंतु हमारे कैसे काम करते हैं, जब हम बात करते हैं हवा इनके बीच में से गुजरती है और ये सिकुड़ते फैलते हैं और उस तरीके से हम बात कर पाते हैं। मैं जो आपसे बोल रहा हूँ उसमें भी स्वर तंतु काम कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है मित्रों, मैंने आपसे कहा ये अनैच्छिक मांसपेशी है। अनैच्छिक मांसपेशी का मतलब जो हमारी इच्छा से नहीं चलती। भाई कुछ मांसपेशियां हमारी इच्छा से चलती, हाथ हम चलाते हैं, हम जैसे चलाएंगे वैसे चलेगा, सिर हम जैसे घुमाएंगे घूमेगा, लेकिन जब हमें सुसु आएगी या हम प्राकृतिक रूप से कोई कई ऐसी चीजें जो हमें फील होती है, जैसे मलमूत्र को जाना है हमें, तो वो अनैच्छिक पेशियों पे चलता है। ये भी अनैच्छिक पेशी होती है। तो कभी कभी मस्तिष्क इसे संदेश देता है एकदम से तेजी से सिकुड़ने और फैलने का, मतलब एकदम से ये फैल जाएगी एकदम से। अब ये एकदम से फैलेगी तो ये फेफड़े एकदम से हवा लेंगे बहुत तेजी से, एकदम से फैलेगी फेफड़े बहुत तेजी से हवा लेंगे और यहां से हवा बहुत तेजी खट से अंदर जाएगी। आप जब सोच देखिए एकदम से हवा खुद लेके देखिए, आपको स्वर तंतु से हवा जाएगी और तेजी से जाएगी और वो भी एकदम से सिकुड़ते हैं ऐसे। जब हवा जाती है तो इनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, वैसे ऐसी होती है, एकदम से ऐसी हो जाती है। तो ये आवाज भी आती है और हवा भी जाती है, तो ये कहलाती है हिचकी। हिचकी को कहा गया है एक बार आए तो लगता है आ गई, दूसरी बार आए तो मजाक लगता है, तीसरी बार आती है तो लगता है ये क्या हो रहा है, फिर बड़ा खराब लगने लगता है। तो हिचकी इस डायफ्राम की वजह से आती है। हिचकी आने का रोग, एक हिंदी में एक मूवी भी बनी है हिचकी से, हिचकी नाम से, रानी मुखर्जी यहां पे मेरा ख्याल है उसमें हीरोइन है। तो हिचकी एक बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि ये अनैच्छिक पेशी है, मांसपेशी है जो हमारी इच्छा से नहीं चलती। इसलिए अगर मस्तिष्क से इसके संदेश मिलते रहते हैं तो ये आती रहती है। अधिकतर ये कुछ समय के लिए आती है, कभी कभी कुछ महीनों तक बनी रहती है और कभी कभी बीमारी भी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया हिचकी क्यों आती है, हिचकी एक वजह तो ये है कि आप खाना कम चबा के खाएं। जितनी हवा पेट में जाएगी उतना हमारा मस्तिष्क कहेगा पेट में हवा भर गई इसे निकालो, तो एकदम से ही फैलेगी, पहले निकालेगी फिर तुरंत, पहले सिकुड़ेगी निकालेगी और फिर फैल के अंदर हवा लेगी और वो चीज आपको हिचकी दिलाएगी। इसके अलावा कार्बन वाले ड्रिंक, मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह जिनमें बुलबुले बनते हैं, वो आप पी लें ज़्यादा तो भी पेट में काफ़ी हवा जाती है तो भी ये गड़बड़ शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप शराब या अल्कोहल वाली चीज़ें ज़्यादा पीते हैं तो कभी किसी खास समय पे उन्हें पीने पर भी ये हिचकी आ सकती है। एक और चीज पे हिचकी आती है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड भावनाओं में आ जाएं तो भी मस्तिष्क कुछ ऐसे संदेश उस समय यहां भेजता है कि वो डायफ्राम को तेजी से गति करने का आदेश देते हैं। और जब वो गति करता है तो मैंने आपको पूरा बताया कि गति करने पे हवा धड़ से एकदम से फेफड़ों में भरती है, वो फेफड़े फूलते हैं और हमें हिचकी आती है। तो ये है हमारे भोला पंडित जी को उत्तर मिल गया होगा। हम आपके बहुत धन्यवाद करते हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके प्रश्नों पर काम, हम तो चाहते हैं आपके प्रश्नों पर काम करें। हमने आपको देखिए ईमेल वगैरह दिया, आप उसमें भेजिए अपनी फोटो और प्रश्न, हम उत्तर अवश्य देंगे इस बात का भरोसा रखिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल पर ऐसी चीज़ हम बताते रहेंगे। फिर मिलेंगे मित्रों, नमस्कार।